अनुराग ठाकुर बोले, विकास हमारे लिए एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक तरफ हमने हमीरपुर का बाईपास बनवाया, कोट तक सड़क बनवाई, बिलासपुर से हमीरपुर की सड़क 300 करोड़ की लागत से चौड़ी कराई थी, अब हम उसे 4 लेन करवा रहे हैं। कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो हमारे लाए प्रोजेक्टों का क्रेडिट लेने में जुटी है। और भारतीय जनता पार्टी अपने कामकाज को लेकर वोट मांग रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस बैकफुट पे नजर आ रही है। भाजपा के काम के आगे कांग्रेस कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही, कहीं पे भी ले लीजिए। मैं तो कल नालागढ़ था, उससे कुछ दिन पहले देहरा में था, आज हमीरपुर में भी था। हर जगह देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शानदार काम किया, विकास कार्य बोलते हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस जब कोई उपलब्धि नहीं बता पाती, अपनी गारंटियां फेल होती देखती है तो उनके मन में एक ही सवाल आता है कि झूठे आरोप कैसे लगा। एक तरफ हम कहते हैं कि हमने हमीरपुर का बाईपास बनवाया, कोट तक की सड़क बनाई, हमीरपुर से बिलासपुर का 300 करोड़ रूपये की सड़क बनाई, यहां से कि हमीरपुर नदौन जलंधर का हाईवे दुगना चौड़ा करवाया, नदौन से रानीताल की सड़क 90 करोड़ में बनाई, हमीरपुर धर्मपुर मंडी सड़क 1200 करोड़ रूपये में बना रहे हैं, हमीरपुर से लेकर शिमला की सड़क को दुगना चौड़ा और 4 लेन बना रहे हैं, यहां जाने का समय 4.5 घंटे की बजाय 2.25 घंटे रह जाएगा, यहां से मटौर मटौर से पठानकोट की सड़क ये भी हम लोग 4 लेन हाईवे बना रहे हैं ताकि हमीरपुर से दोनों तरफ चाहे शिमला जाना हो, पठानकोट जाना हो, धर्मशाला जाना हो, आपका समय पहले से आधा रह जाएगा। ये सुविधाएं किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी। दूसरा, अगर हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज कभी नहीं था, ये देन है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। कांग्रेस तो 3.5 साल जमीन नहीं दे पाई, हमारी सरकार बनी, जयराम जी मुख्यमंत्री बने, जो छप्पड़ में जमीन दी, हमने नड्डा जी को बुला के उसका शिलान्यास करवाया, जयराम जी को बुला के शिलान्यास कराया, आज भव्य इमारत वहां पर बनके तैयार हुई। सीटी स्कैनर हो, MRI हो, अन्य सुविधाएं हो, फ्री में डायलिसिस की सुविधा हो, ये सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की देन है। एम्स अस्पताल हो, ये हमारी देन है भारतीय जनता पार्टी की। और इसी तरह से ही बिलासपुर का मेडिकल कॉलेज हो या चंबा से लेके बाकी हो, अब मैं राज्य के पूरे विकास पे नहीं जाऊंगा, केवल हमीरपुर तक सीमित करूं तो NIT को देख लीजिए, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज अगर बिलासपुर का देखिए तो वो उसी तर्ज पर हमारे यहां पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई, हॉर्टिकल्चर कॉलेज दिया, ये सारी सुविधाएं प्रेम कुमार धूमल जी भारतीय जनता पार्टी ने दी, शिक्षा के केंद्र। अगर हमीरपुर में बॉय स्कूल देखें तो अपने समय का सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय बनाकर दिया गया। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, अगर रोजगार के अवसर कहीं मिलते तो हमने दिए। यहां पर हजारों लोग अपने टेस्ट देने आते थे, इंटरव्यू देने आते थे, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने पहले वीरभद्र जी ने बंद किया, सुखू जी ने बंद करवा दिया। ये देते तो कुछ नहीं, ताला जड़ने का काम अवश्य करते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आपने, कांग्रेस ने दिया तो कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को भी ठप क्यों किया, बंद क्यों किया, उन घोषणाओं को या जो काम किए उन पे ताले लगाने का काम किया। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।